हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। दोस्तों हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था 1857 क्रांति, यहीं से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की थी। आपको मैंने बताया था, अपने पहले लेक्चर में बताया था 1857 क्रांति क्यों स्टार्ट हुई, उसके राजनीतिक कारण कौन कौन से थे, उसके धार्मिक कारण कौन थे, उसके आर्थिक कारण क्या थे। वहीं मैंने दूसरे लेक्चर में आपको बताया था 1857 क्रांति में कौन कौन से जगह से विद्रोह स्टार्ट हुआ, किसने विद्रोह का नेतृत्व किया, किसने विद्रोह को दबाया, किस डेट से किस डेट तक ये विद्रोह चला, ठीक है। और पूरा विस्तार से मैंने दो लेक्चरों में आप सभी को समझाने की कोशिश की थी। उसी क्रम में मैं आपको ये तीसरा लेक्चर ला रहा हूँ 1857 क्रांति की। आज हम बात करेंगे 1857 क्रांति की असफलता के कारण एवं उनके परिणाम। 1857 क्रांति के असफलता किन कारणों से हुई, विद्रोह क्यों दबा, क्यों बंद हुआ, उसके बाद उसके परिणाम क्या क्या है, वो सब बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी क्रम में देखते हैं तो 1857 क्रांति के कारण में, असफलता की क्रांति कारण में पहला जो प्रमुख कारण माना गया है वो क्या माना गया, सीमित क्षेत्र। 1857 क्रांति में सीमित क्षेत्र प्रमुख कारण असफलता का यह भी एक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये पूरे भारत में 1857 की जो क्रांति ये पूरे भारत में एकजुटता होके नहीं स्टार्ट हुई। इसमें देखा जाए तो दक्षिण भारत में तो ये पूरा तरीके से अछूत रहा, और दक्षिण भारत जो मद्रास था वो तो बिल्कुल तरीके, क्योंकि उस समय मद्रास एक बहुत बड़ा एरिया राज्य बन के था, ठीक है, वो बिल्कुल अछूत था 1857 क्रांति, यानी वहां तक मैंने बिल्कुल 1857 क्रांति पहुंची ही नहीं, वहां से कोई विद्रोह ही नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम देखते हैं उत्तर पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत की बात करें तो बंबई, महाराष्ट्र यानी कि गुजरात, राजस्थान, इन सब एरिया में कुछ हद तक छोटे छोटे जगह पे हुआ, ना कि ये बहुत बड़ा इनका एरिया अछूत रहा इस सब चीजों से। 1857 क्रांति का एक प्रमुख कारण माना जाता सीमित क्षेत्र, क्योंकि ये पूरे भारत में ये नहीं स्टार्ट हो पाया था, ठीक है। तो ये 1857 की क्रांति का एक सीमित क्षेत्र एक प्रमुख कारण माना जाता है। वहीं पर देखते हैं दूसरा जो प्रमुख कारण माना जाता है वो क्या है, नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव का प्रमुख कारण का अर्थ है दोस्तों, यह 1857 क्रांति में नेतृत्व का अभाव इसलिए प्रमुख कारण माना जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। हमने नेता बनाया था, किसे बनाया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय को मैंने नेता बनाया था, हमने नेता बनाया 1857 क्रांति में दिल्ली से। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके बताया जाता है कि उनकी खुद की पत्नी जीनत महल ने मुखबरी कर दी अंग्रेजों से और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया, यानी रंगून भेज दिया गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले अंग्रेजों ने 1857 क्रांति में किस राज्य को पुनः अपने अधिकार में ले लिया, तो दिल्ली ही था, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली नेतृत्व में आ जाता है, बहादुर शाह जफर रंगून चले जाते हैं, इसलिए इसको कोई राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने वाला नहीं था, एक बड़ा नेता कोई नहीं मिल पाया, एक प्रमुख कारण यह भी माना जाता है 1857 क्रांति का अभाव। वहीं पे अगला जो प्रमुख कारण माना जाता है सीमित संसाधन। क्रांति के प्रमुख कारण में सीमित संसाधन एक प्रमुख कारण माना जाता है। यह क्यों माना जाता है, इसका एक रीजन है। देखो 1857 क्रांति में उस समय हम बता चुके थे आपको पहले कि यूरोप में क्या चल रहा था, औद्योगिकीकरण चल रहा था, औद्योगिकीकरण तो उनके पास एक अत्याधुनिक हथियार थे और भारत की तुलना में उनके पास कई अच्छे हथियार थे। और यहीं पे भारत में देखा जाए तो ये पहली बात मैंने पहले ही कारण बताया कि भारत में पूरे संपूर्ण भारत में विद्रोह नहीं था, इसलिए भारत के छोटे छोटे राजाओं ने जो विद्रोह किया था उनके पास अत्याधुनिक हथियार की कमी थी, और उनके पास जो भी गोला बारूद थे वो कम ही थे इनकी तुलना में, किसकी, अंग्रेजों की तुलना में गोला बारूद कम थे। तो सीमित संसाधन की कमी यानी कि पर्याप्त संसाधन ना होने की वजह से यह विद्रोह का एक प्रमुख कारण माना जाता है, असफलता का प्रमुख कारण माना जाता है। वहीं पे अगला देखते हैं संगठन का अभाव। संगठन का अभाव
तो 1857 की क्रांति का ये जो अगला प्रमुख कारण माना जाता है वो क्या माना जाता है, संगठन का अभाव। संगठन का अभाव का तात्पर्य है दोस्तों, भारत में जितने भी क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ उनमें से कोई यूनिटी नहीं थी। अगर हम देखें लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, रानी लक्ष्मी भाई झांसी से, बिहार से कुंवर सिंह, इन सब लोगों ने नेतृत्व तो किया लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें कोई संगठन नहीं था। इन सब लोगों ने छुटपुट नेतृत्व विद्रोह हुआ, विद्रोह काफी स्तर तक बढ़ा लेकिन इन लोगों में संगठन ना होने की वजह से अंग्रेजों ने इसे जल्दी से दबा दिया, ठीक है। इसलिए ये संगठन का अभाव भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। उसके बाद अगला जो इसका माना जाता है सफलता के कारण में वो क्या था, भारतीयों का समर्थन, भारतीयों का असमर्थन भारतीयों का असमर्थन का तात्पर्य है दोस्तों, ये भारत में विद्रोह तो स्टार्ट हुआ, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था भारत में पूरे स्तर पर नहीं था। यहाँ पे शिक्षित वर्ग ने 1857 क्रांति में शिक्षित वर्ग ने बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया, 1% हिस्सा नहीं लिया और यही सबसे बड़ा प्रमुख कारण उभर के आया, भारतीयों का असमर्थन। यानी भारतीय जो स्वयं भारत के लोग थे, जो भारत में विद्रोह कर रहे थे, जो भारत के लोग अपनी आजादी के लिए विद्रोह कर रहे थे, उनमें से शिक्षित वर्ग ने बिल्कुल भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। शिक्षित वर्ग की बात छोड़ो, उसमें जो जमींदार थे, कुछ बड़े राजा थे जिनको अंग्रेजों से स्वयं डायरेक्ट लिंक था, उन्होंने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया। भाग क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर वो राजा अगर भाग ले लेंगे तो उन्हें अंग्रेज उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे व्यापार में, इसलिए उन लोगों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। इसमें छुटपुट किसानों ने भाग लिया और जो बड़े किसान थे जमींदार थे वो भी भाग नहीं लिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि छोटे किसानों को विद्रोह है, हम इसमें क्यों भाग लें। तो इसमें भारतीयों का पुरजोर समर्थन ना मिला, इसलिए ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। उसके बाद इसी क्रम में हम देखते हैं तो एक अगला प्रमुख कारण माना जाता है, क्या था वो, उद्देश्य की अस्पष्टता। उद्देश्य की अस्पष्टता का अर्थ है दोस्तों, इस 1857 क्रांति में किसी ने भी उद्देश्य स्पष्ट नहीं बताया कि हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है। नाना साहब हो वो अपना पेशवा का पद पाना चाहते थे, बेगम हजरत महल ज्योति लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे वो अपना राज्य स्वयं पाना चाहते थे, रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के उद्देश्य से लड़ रही थी, कुंवर आरा सिंह ने ये जो कुंवर सिंह थे वो उन्होंने बिहार से नेतृत्व, वो अपने जमींदार के हक लिए नेतृत्व कर रहे थे, तो इसका प्रमुख उद्देश्य की स्पष्टता नहीं थी, ये एक भी प्रमुख कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। वहीं पे अगला जो प्रमुख कारण माना जाता है, योजना की कमी। योजना का कमी का तात्पर्य है दोस्तों, 1857 क्रांति में विद्रोह तो प्रारंभ कर दिया हम सभी ने, यहाँ के लोगों ने, लेकिन उनमें से किसी ने भी विद्रोह को इतने आगे स्तर तक ले जाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। तो 1857 क्रांति में भाई आप कभी भी किसी के ऊपर अटैक करेंगे तो पूरी प्लानिंग करके लिखेंगे ना, उस समय कोई ऐसी योजना नहीं थी। इस समय क्रम में 1857 क्रांति में एक प्रमुख कारण माना गया, योजना की कमी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके असफलता के कारण। अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के परिणाम क्या क्या हुआ, उसी क्रम में हम जानते हैं। पहला, क्रांति में जो सबसे पहला एक प्रमुख कारण क्या उभर के आया, कंपनी का अधिकार किसके हाथों में चला गया, कंपनी का अधिकार चला गया सीधा क्राउन के हाथों में, यानी कि रानी के हाथों में। ये क्वेश्चन बन के आता है, किस चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा कंपनी का अधिकार सीधे क्राउन के हाथों में चला गया, तो कौन सा, 1858 की चार्टर एक्ट, 1857 में क्रांति होती है, उसके बाद 1858 में एक चार्टर एक्ट आता है और उसी के तहत कंपनी का अधिकार सीधा किसके हाथों में चला जाता है, क्राउन के हाथों में
चला जाता हूँ। तो इसका एक प्रमुख कारण माना गया 1857 की क्रांति का, कि 1858 में चार्टर एक्ट आता और जो कंपनी का जो अभी तक भारत में प्रशासन कंपनी कर रही थी अब वो सीधे ब्रिटेन के हाथों, यानी ब्रिटेन से रानी के हाथों से क्राउन के हाथों से नेतृत्व तो होगा। ये एक इसका प्रमुख परिणाम माना गया, ये सबसे बड़ा बदलाव था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो डलहौजी की राज्य हड़प नीति यानी व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है, ये राज्य हड़प नीति है, राज्य डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति, इसको भी हटा दिया गया। क्योंकि 1857 की क्रांति में मैंने प्रमुख कारणों में यह भी बताया था आपका कि यह विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ, तो 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी द्वारा अपनाया गया था, जिसके लिए ये बहुत ज्यादा विद्रोह एक राज्य स्तर पर बढ़ के आया था, देश स्तर में बढ़ के आया था। ठीक है, तो डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति ये भी इसे समाप्त कर दी गई। उसके बाद दोस्तों एक और प्रमुख कारण क्या है, सेना में बदलाव। ये सब परिणाम है। ठीक है, सेना में बदलाव आया, सेना में बदलाव क्या आया, जहां पहले पांच भारतीयों पर एक ब्रिटिश अधिकारी होता था, वहीं अब इसके बाद दो भारतीयों पर एक ब्रिटिश सेना हो गई। जहां पहले पांच भारतीयों पर एक अंग्रेजी सैनिक होता था, वहीं पर अब दो भारतीयों पर एक अंग्रेजी सैनिक की नियुक्ति होने लगी। और इस विद्रोह में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया था कौन से, बिहार और यूपी के लोग सैनिकों ने। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, 1858 जो टैटर एक्ट आया उससे बिहार और यूपी के सैनिकों को हटाने जाने लगा, और गोरखा के लोगों को, जो गोरखा रेजिमेंट है वहां से लोगों को नियुक्ति, वहां से सैनिकों की नियुक्ति करने लगे। यह एक प्रमुख कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। और 1857 की क्रांति परिणाम के बाद 1858 का चार्टर एक्ट आता है। 1858 का चार्टर एक्ट में क्या होता है, एक नए पद का सृजन होता है, वो पद क्या होता है, भारत सचिव। क्या होता है, भारत सचिव। अब भारत सचिव एक नियुक्त होगा, 1858 के चार्टर एक्ट से पद आया, एक नया पद आया जिसका नाम दिया गया भारत सचिव। और भारत सचिव की मदद के लिए 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद बनाई गई। एक 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद बनाई गई। तो दोस्तों ये थे 1858 के परिणाम में एक प्रमुख कारण माना गया, जो इसका परिणाम है भारत सचिव एक नया पद बन के आया। ठीक है, तो ये 1858 के चार्टर एक्ट द्वारा आया ये भी। उसके बाद एक और जो प्रमुख कारण परिणाम आया इसका वो क्या था, देशी जो नरेश थे, देशी नरेशों की स्थिति पहले की ही जैसी रखी गई, क्योंकि उन्होंने तो बदलाव किया नहीं था, क्योंकि उन्होंने विद्रोह बड़े स्तर के जो देशी राजा थे उन्होंने विद्रोह नहीं किया था। तो देशी नरेश की स्थिति पहले ही जैसी रही। तो ये दोस्तों 1858 के परिणाम थे, कई प्रमुख कारण थे असफलता के वो मैंने बताए। उसके बाद 1858 में जो प्रमुख परिणाम आए उभर के, क्या बदलाव हुए वो मैंने बताए। कई परिणाम जो भारतीयों के हित में है वहीं पे आए, तो कई परिणाम ऐसे थे जो भारतीयों के विरोध में आए। तो ये 1857 की क्रांति आपको यहीं से पूरी समाप्त होती है। आई होप अब आपको ये पूरा लेक्चर, आपको संपूर्ण लेक्चर जब आप देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से 1857 की क्रांति समझ में आ जाएगी। वहीं पर जो 1858 चार्टर एक्ट में कुछ बदलाव हुए थे वो भी आपके यहां से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दो शब्द और। 1857 की क्रांति जब हुई उसके बाद सर सैयद अहमद,
सर सैयद अहमद ने क्या किया, मुस्लिम वर्ग को बचाने के लिए सर सैयद अहमद ने 1857 की क्रांति का पूरा विश्लेषण किया। उसके बाद मुस्लिम वर्ग को बचाने के लिए अंग्रेजों से मेल मिलाप करने लगे। किसको? अंग्रेज और मुस्लिम मेल मिलाप करने लगे, ठीक है, सर सैयद अहमद खां की मुखबरी पर, इनके द्वारा ही स्टार्ट हुआ। और यहीं से अंग्रेजों ने, इसी जगह से अंग्रेजों को समझ में, अगर हम भारत में मुस्लिम और हिंदू को लड़ा दे, हिंदू और मुस्लिम को लड़ा दे, तो हम क्या करेंगे, भारत में राज कर सकते हैं। और तो इसी के, किसकी मदद से, सर सैयद अहमद खां की मदद से उनके दिमाग में ये खोज आया। उसके बाद अंग्रेजों की एक नीति आई, कौन आई, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो, ये किसके, जब सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों से मुस्लिमों के लिए मेल मिलाप करने लगे, ठीक है। तो कब किया, जब 1857 क्रांति समाप्त होगी उसके बाद विश्लेषण के बाद उन्होंने अंग्रेजों से मुखबरी की मुस्लिमों को बचाव के लिए। तो उसके बाद अंग्रेजों को समझ में आया कि अगर हम भारत में फूट डाल देंगे किसमें, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, तो हम यहाँ पे अभी भी राज्य कर सकते हैं, संपूर्ण सत्ता पूरे भारत पे हम अपना अधिकार कर सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई और काफी हद तक ये मदद रही। 1870 तक क्या होता है, 1870 तक जो अंग्रेज होते हैं वो मुस्लिमों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मुस्लिमों को पहले दबाने को, 1870 तक मुस्लिमों को दबाने की कोशिश करते हैं भारतीय जो हिंदू थे उनके कंपेयर में। और भारत में कई ऐसे नेतृत्व किया इन्होंने, ऐसे कई केस किए जिसके तहत उनके खिलाफ हिंदू और मुस्लिमों में इन्होंने आपस में मतभेद कर दिया। उसके बाद जब जाना कि अगर मुस्लिमों को हम बढ़ा नहीं सकते, मुस्लिमों को हम दबा नहीं सकते, उनको अभी बढ़ाने की कोशिश करना है, 1870 के बाद मुस्लिमों को क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करना है, यानी उनको भी शिक्षित करना प्रारंभ कर दिया। पहले मुस्लिमों को क्या दिया, पहले मुस्लिमों को आरक्षण दिया, दुनिया की बातें बताई उनको कि आपके लिए ये ऐसे मतभेद किया। और यहीं से राज्य करो कि जो उनके अंग्रेजों की क्या थी, एक नीति थी, फूट डालो राज्य करो की नीति, उनकी धीरे धीरे सफल होती गई। और इसी के तात्पर्य में भारत में हमने आजादी के समय देखा कि भारत दो भागों में विभाजित हो गया, एक था पाकिस्तान और दूसरा था हिंदुस्तान। वो कभी भी ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत में अगर आजादी मिली तो हम मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों के साथ ही मिली है। इसीलिए कहते हैं, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आई होप ये आपको समझ में आएगी। जब हम बाजार में कभी फल लेने जाते हैं तो जो केला का टुकड़ा अलग होता है वो सस्ता होता है जो कि गुच्छे के साथ में होता है उसकी कंपेयर में, क्यों अलग, क्योंकि वो अपने परिवार से अलग, उसका मूल्य कम हो गया। इसीलिए हमें भी अपनी यूनिटी बना के रखनी चाहिए, मुस्लिम भाई और हिंदू भाई में अपना मिलकर रहना चाहिए, समाज के हित में कार्य करना चाहिए, ना कि आपस में मतभेद करने चाहिए। आप बाजार की तुलना में ही देख सकते हैं कि वहां पे जब प्राइस कम हो सकता है तो इसी तरह हमारे देश में कितना प्राइस कम हुआ था। और यही एक तात्पर्य था, यही एक इसका संदर्भ में निकल गया कि हम दो भागों में बट गए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैं जो अगला लेक्चर लाऊंगा 1857 की क्रांति से, उसमें मैं संपूर्ण क्वेश्चन जो 1857 की क्रांति आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए कि सब एग्जाम में, उनका कलेक्शन करके मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले 1 से 2 दिन में। तो आप ये वीडियो शेयर करिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।